हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ए शोना, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अपनी 16 साल की बेटी बुलबुल के कमरे में कदम रखते ही उसकी माँ अन्नपूर्णा ने पूछा कि वो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है। दुल्हन के कपड़ों में बैठी बुलबुल एकटक आईने की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मुझे शादी नहीं करनी माँ, और मैंने सुना है जमींदार साहब बहुत गुस्से वाले हैं, और मुझसे बड़े भी तो कितने हैं, बाबा की उम्र के हैं, और भी बहुत कुछ सुना है। मेरी सहेलियों ने बताया है मुझे उनके बारे में, वो बहुत गंदे हैं। ऐसा नहीं बोलते सोना, तुम तो जानती हो हमारे घर के हालात कैसे हैं। तुम अगर जमींदार साहब से शादी कर लोगी तो हम सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, और जमींदार साहब की माँ खुद तुमको अपने घर की बहू बनाना चाहती है। अब चलो, देर मत करो, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। उस रात 16 साल की लड़की की शादी एक अधेड़ उम्र के जमींदार से कर दी गई। हंसती खेलती बुलबुल जमींदार की बीवी बनकर उसके आलिशान बंगले में आ गई। ओ तो सुंदर बहू, हर किसी के मुंह पर बस यही था। बुलबुल इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उसकी नजर बस उस पर थम सी जाती। शादी की पहली रात जब बुलबुल डरी सहमी से अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी जमींदार उसके कमरे में आया, और जमींदार को देखकर बुलबुल डर से सहम गई। और जमींदार ने बुलबुल को देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे मेरे घर जाना है, मेरी माँ के पास। यही तेरा घर है आज से? तुझे तो अपनी खुशनसीबी माननी चाहिए कि तू इतने बड़े घराने की बहू बनकर आई है, और तू है कि अपने छोटे से झोपड़े में जाने के लिए रो रही है। इतना कहता हुआ जमींदार बुलबुल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, और तभी पूरे हवेली की बिजली गोल हो गई और उस कमरे में अंधेरा फैल गया। बुलबुल डर से चीख उठी, डरो नहीं, हम देखता है, तुम यही रहना। इतना कहकर जमींदार कमरे से बाहर निकल गया। जमींदार के जाते ही बुलबुल ने राहत की सांस ली। जमींदार को जाकर काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक वो नहीं आया था। बुलबुल की आंख नींद से खुल नहीं रही थी। वह वहीं बिस्तर के किनारे बैठी बैठी टेक लगाकर सो चुकी थी कि अचानक दरवाजे की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से खटखटा रहा है। बुलबुल ने डर से कांपते हुए कहा, कौन है यहाँ? जमींदार जी, मुझे डर लग रहा है, कोई है क्या यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, और सब फिर एकदम शांत हो गया। बुलबुल को लगा जैसे उसके कमरे के दरवाजे के बाहर कोई है। बुलबुल धीरे से उठी, और उसने जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर देखा, उसने देखा काले लिबास में कोई उसके कमरे के बाहर से चलता हुआ जा रहा है। बुलबुल धीरे से बोली, कौन? लेकिन वो जो कोई भी था, वो चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। बुलबुल को उस कमरे में अकेले डर लग रहा था, इसलिए वो तुरंत कमरे से बाहर निकली और बाहर आंगन की तरफ बढ़ गई। हवेली में शायद सब सो चुके थे, क्योंकि किसी की भी आहट का एहसास तक नहीं था। बुलबुल को इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ बहुत घबराहट हो रही थी। बुलबुल ने सोचा कि जमींदार जी तो कहाँ है पता नहीं, तो हवेली में किसी और को ही देखे ताकि किसी के पास बैठकर उसका डर कम हो। वो अपने कदम आगे बढ़ा ही रही थी, रुक जा, कि पीछे से किसी के कड़क आवाज सुनाई दी। ये सुन बुलबुल के कदम जहां थे वहीं थम गए। उसने घबराते हुए पीछे पलटकर देखा और जल्दी से अपने सर पर पल्लू रख लिया। सामने जमींदार की बूढ़ी माँ खड़ी थी। वह बुलबुल के सामने आकर बोली, बुलबुल तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? बुलबुल ने घबराते हुए कहा, वो माँ, मुझे डर लग रहा था। बुलबुल की बात पर जमींदार की माँ बोली, डर लग रहा था? मेरा बेटा कहाँ है? पता नहीं, हमारे कमरे के दरवाजे पर कोई था, जमींदार जी वही देखने गए थे कि वो कौन है, लेकिन अब तक वो आए नहीं, और मुझे किसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, तो इसलिए मैं डर के मारे बाहर आ गई। बुलबुल की बात पर जमींदार की माँ खुद सोचने लगी और फिर बोली, मुझे पता है वो कहाँ होगा, तू जा अपने कमरे में, मैं तेरे पति को अभी लेकर आती हूँ। बुलबुल ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, और पीछे से जमींदार की माँ बोली, शादी हो गई और वो भी दोबारा शादी हुई, जिंदगी में किसी लड़की से शादी करनी है, वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करके घर ले आया, इस उम्र में पहुंच गया है तब भी इसकी हरकतें नहीं सुधरी,
जाने कहां मुंह काला कर रहा होगा। इधर बुलबुल सहमी हुई सी एक बार फिर बड़े से गलियारे से होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। बुलबुल जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। बुलबुल जहां थी वहीं खड़ी रह गई। उसे घबराहट हो रही थी, वह डर के मारे पीछे नहीं पलट पा रही थी, लेकिन उसे अपनी गर्दन पर किसी के सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। बुलबुल ने अपनी मुट्ठी को बंद किया और एकदम से पीछे पलटी, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसके पीछे कोई नहीं था। बुलबुल ने अपनी आंखें बंद की और राहत से सांस लेती हुई बोली, बुलबुल तुमको डर लग रहा है? जमींदार जी की माँ ने कहा ना कि डरने की बात नहीं है, तुम सो जाओ, तुमको इतना बड़ा घर की आदत नहीं है ना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। खुद को तसल्ली देने के बाद बुलबुल ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वह भीतर जाने को हुई कि उसे पायल की छनछन महसूस हुई। बुलबुल ने देखा उसी गलियारे से एक काला साया चलकर आगे जा रहा था और उसी के पास से पायल की आवाज आ रही थी। यह देखकर बुलबुल की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपना पसीना पोंछा और बोली, ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो यहाँ कोई नहीं था, और ये काले लिबास में क्यों घूम रही है इस तरह? तभी बुलबुल के देखते ही देखते पूरे गलियारे में अंधेरा हो गया। जहां तहां जो सजावट की गई थी, जो रोशनी जल रही थी, वो सब बुझ गया। बुलबुल के कदम अपने आप उस साये के पीछे पड़ गए। वह चलता हुआ साया रुका और फिर आगे बढ़ने लगा। बुलबुल भी धीरे धीरे उसके पीछे अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने देखा कि सिर्फ गलियारे में ही नहीं, बल्कि पूरी हवेली में जहां चहल पहल और रौनक थी, बिल्कुल शमशान सा सन्नाटा फैला हुआ था और कहीं भी ना सजावट, ना लाइट्स, ना कुछ भी नहीं। बुलबुल को हवेली में बहुत डर लग रहा था। अचानक बुलबुल के सामने से जा रही वो काली परछाई कहीं गायब हो गई और बुलबुल के कदम जहां थे वहीं थम गए। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया सिवाय अंधेरे के। तभी बुलबुल के कान में उल्लू की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी औरतें मिलकर रस्म कर रही हैं। और जैसे ही बुलबुल का ध्यान उस आवाज पर गया, बुलबुल ने चारों तरफ देखा और उसे लगा जैसे ये आवाज उसके बगल के कमरे से आ रही है। लेकिन अब तक बुलबुल खुद नहीं जानती थी कि वो चलती हुई कहां आ गई है, हवेली का कौन सा हिस्सा है। बुलबुल धीरे धीरे अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाने लगी और वो जैसे ही उस कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा दरवाजा बंद था। बुलबुल ने दो चार बार कोशिश की उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन नहीं खुला। बुलबुल को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा था। बुलबुल ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे उस गलियारे में अंधेरा और सिर्फ साए साए करती हुई हवाएं थी, जिससे बुलबुल को एक अजीब सी सेहरन हो रही थी। पीछे किसी को ना पाकर बुलबुल ने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो उसने पाया कि जो दरवाजा अब तक बंद था वह बिल्कुल खुला हुआ था और पीछे से उसे किसी ने जोर से उस कमरे के भीतर धक्का दिया। बुलबुल लगभग गिरते गिरते बची और उसने पीछे पलट कर देखा तो एक बार फिर उसके पीछे कोई नहीं था। बुलबुल के कदम जैसे ही उस कमरे में पड़े, वह आवाजें आनी बंद हो गई। उसने देखा बहुत सारी औरतें गोल घेरे में अपने अपने चेहरों पर घूंघट डाले काली साड़ी में रश्म कर रही थी, लेकिन वो उल्लू नहीं बल्कि कुछ और ही था। उल्लू की आवाज जिस तरीके से होती है वैसा ही, लेकिन आवाज में वो कोई मंत्र का उच्चारण कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई टोटका कर रही है और गोल गोल घूम रही थी। ये सब बुलबुल को बहुत अजीब लगा। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है आप लोग और ये इस तरह से ये सब क्यों कर रहे हैं, वो भी काली साड़ी में? आज तो शुभ मौका है ना, तो ये काली साड़ी क्यों और हवेली के बाकी लोग कहाँ हैं? बुलबुल के सवाल पूछते ही वो औरतें एक तरफ हो गईं और बुलबुल ने देखा जमीन पर उसके पति का शरीर पड़ी हुई है और वो औरतें उसी के इर्द गिर्द ये उल्लू की रस्म कर रही है। ये देखकर बुलबुल जोर से चीख पड़ी और वहीं दीवार के पास दम से बैठ गई और अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा लिया। बुलबुल का पूरा शरीर कांप रहा था, वह सुबक सुबक कर रो रही थी। माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे घर जाना है। बुलबुल यही चीज बार बार दोहरा रही थी और रो रही थी और बुलबुल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। और अब तक जो जमींदार को घेरे खड़ी थी
वह बुलबुल को घेर कर खड़ी हो गई। उसमें से एक औरत बुलबुल के पास बैठ गई और बुलबुल के चेहरे को छूती हुई बोली, तुम डरो मत, ये सब हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर बुलबुल ने आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। हालांकि बुलबुल उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उन सब की हंसी को महसूस कर पा रही थी। आखिर क्या हो रहा था बुलबुल की शादी की पहली रात, और कौन थी ये औरतें, और क्यों कर रही थी यह सब कुछ, और ये सब कुछ बुलबुल के लिए कर रही है, इस बात से क्या मतलब था उनका, आखिर क्या मकसद था जमींदार को मारने के पीछे का उन औरतों का, और क्या वो बुलबुल को भी मार देंगी, जानने के लिए देखिए बुलबुल पार्ट टू। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।